नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के सानिध्य में भारत चीन बॉर्डर पर शहीद सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि एवं शोक सभा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से कानपुर जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ श्रीमती अंजलि सिंह, कानपुर जिलाध्यक्ष दर्पण सिंह भदौरिया जी आदि उपस्थित रहे। श्रीमती अंजना सिंह एवं दर्पण सिंह भदौरिया ने जवानों के चित्र पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। श्रीमती अंजलि सिंह ने बताया कि देश इस समय बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। देश में 2 प्रकार की लड़कियां चल रही हैं। पहला चीन द्वारा फैलाया गया विश्वव्यापी संक्रमण कोरोना से तथा दूसरा खुद चीन से लड़ रहा है। श्रीमती अंजलि सिंह एवं जिलाध्यक्ष दर्पण सिंह भदौरिया ने चीनी सामानों का बहिष्कार कर अग्नि के सुपुर्द कर दिया। इस कार्यक्रम में श्रीमती अंजना सिंह, दर्पण सिंह भदौरिया, संतोष शुक्ला, राजू, धर्मेंद्र सिंह, अभिनव सिंह, अमित चौहान, सुमित ठाकुर, आलोक पांडेय, शैलेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह चौहान, अनुज सिंह, नीतू सिंह, विश्वमोहिनी सिंह, आरती श्रीवास्तव, सुप्रभा श्रीवास्तव, सुदामा पाल, रुचि श्रीवास्तव, मीरा प्रजापति, पूनम सविता आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। पता चला रहा है अपने और ये नहीं जानता है कि हम एक के बदले 4 मारने वाले थे। हिंदुस्तान में हमारी बड़ी एकता है, बड़ा अखंडता है और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा हमारा सही हो जाएगा, लेकिन अपने हिंदुस्तान पे आंच नहीं आने देगा। और सबसे बड़ी गलती जो आज अभी सर ने बताया कि सरकार की कमी जानते हुए भी 20 जवान शहीद नहीं होते। यदि ये चाह लेता तो ये कोरोना जैसी बीमारी है और ये जो इतना फैल गया और जो जवान शहीद हो गए ये न होता। लेकिन ये थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी सरकार की रही जो आज हमारे बीच में 20 जवान शहीद हो गए। इसकी तो खैर हमें बड़ी दुख के साथ ये घड़ी है कि हम लोग उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। इतना जरूर कर सकते कि अपना योगदान करके 5-10 मिनट का मौन करके उनके लिए हम अपनी याद से जो भी प्रभु से हम लोग अपनी अर्जी लगा सकते हैं वही कर सकते हैं। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमारे देश को, हमारे जनता के लोगों को इतना ही उत्साह करें कि ऐसे ही देश में जो जवान हमारे लिए लड़ रहे हैं और आप लोग घरों पे सो रहे हैं उनके बदौलत ही सो रहे हैं। आज हमारा जवान का बच्चा बच्चा जवान बने और हम चाहते हैं कि कभी भी हमारे देश पे आ जाए, हमारे जवान का बच्चा बच्चा लड़ने के लिए तैयार रहे और चीन को हावी न हो। हम कर क्या सकते हैं? चीन की कोई चीज़ नहीं ले सकते। चीन का बहिष्कार कैसे करें? चीन की हर चीज़ों का बहिष्कार करना है। हम लोग यही घर में बैठे कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो आज हम लोग संकल्प लेंगे इसी बीच में कि हम लोग अपने हिंदुस्तान की सारी चीज़ें ले लें और दूसरे देश की कोई भी चीज़ नहीं ग्रहण करेंगे और चीन का हर चीज़ का हम लोग बिल्कुल भी त्याग करेंगे और ये संकल्प के साथ उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सारे काम कार्य हो सके और भारत में अब मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं राजनीति में पार्टी जो बीजेपी है उसकी कहीं ना कहीं ये कमी रही है कि जो आज हमारे वीर जवान नहीं है। बट मैं ये मानता हूँ कि आज राजनीतिक इच्छा शक्ति हो या ना हो बट हर भारतवासी के अंदर देशभक्ति तो है। देशभक्ति के नाम पे अब आगे से ऐसा कोई भी हम लोग चीन का प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने अगल बगल जितने लोग हैं उनको भी समझाएं कि चीन का बहिष्कार करो, क्योंकि हम अगर चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता है कि इस बहिष्कार के से ज्यादा मजबूत कोई युद्ध हो सकता है चीन का विरोध करने के लिए। तो आज हम लोग सभी 5 मिनट का मौन धारण करके भगवान प्रभु से विनती करेंगे कि उनकी आत्माओं को शांति मिले और उनके परिवार को इस पीड़ा और दुख भरी स्थिति में सांत्वना दे, ताकत दे, शक्ति प्रदान करे। और फिर इसके बाद भी मैं संदेश देना चाहूंगा, जब कभी भी आपको कोई भी जवान सड़क से मिले तो जरूर हाथ उठा के सलूट करें, नमस्ते करें, जो आपका अभिवादन आपको अच्छा लगता है। इससे उनके अंदर जो भावना आएगी, जो उनको अंदर से मनोबल मजबूत होगा, उनको लगेगा कि वो अकेले नहीं है सड़क पे, हम भी यहाँ हैं उनके इंतजार में कि वो हैं तो हम हैं, वो नहीं तो हम नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। चाइना मुर्दाबाद।
बंदोगी, जय भारत बंदोगी, जय।